तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन करना पड़ेगा, है ना। और कुछ ऑब्जर्वेशन आपको करने पड़ेंगे। क्या लाना है आपको? आपको लाना है टू टाइम्स ये ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। तो क्यूब का मतलब क्या हुआ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन बार हो गया ना, तीन ब्रैकेट लानी है। और है ना, और हर ब्रैकेट को अपियर कराना है। तो देखिए, करेंगे क्या हम, ये एलएचएस कंसीडर कर लेंगे और हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस डिटर्मिनेंट में, दैट इज टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले कॉलम को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके यहाँ ले आएंगे, और बाकी तो ट्रांसफॉर्म नहीं किया हमने तो वो वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, दैट इज टू एक्स एंड ये एक्स रहेगा, वाई वाई, और ये हो जाएगा आपका जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, है ना। लेकिन कैसे, अगर ये अचीव कर लेते हैं हम, तो ये टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन कर लेंगे, तो जो आपका पार्शियल पार्ट ऑफ आंसर है वो रिकवर हो जाएगा आपका, है ना, और बाकी रिमेनिंग हम लोग आगे सोचेंगे। लेकिन इसके बाद हमें पता है क्या करना है, इस कॉलम से कॉमन करना है। लेकिन यहां कैसे आए, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाए? तो बड़ा आसान है ना। आपको देख के लग रहा होगा कि अगर इस कॉलम और इस कॉलम को ला के हम इसमें ऐड कर दें तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा, वाई प्लस वाई टू वाई हो जाएगा, टू जेड तो है ही है, और टू कॉमन कर लेंगे ये वाला आ जाएगा, सिमिलरली ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। तो लगा दिया जाए ट्रांसफॉर्मेशन, सी वन गिव्स सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ठीक है। यहां लिख देंगे अप्लाइंग, क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका टारगेट पता ही है कि इसे कॉमन करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएं? कॉमन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगा देंगे। कॉमन करना मतलब क्या होता है? डिवाइड करना होता है ना। किसको डिवाइड करना है? पहले कॉलम को डिवाइड करना है। तो सी वन ट्रांसफॉर्म हो गया वन बाई टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स सी वन। अब क्या हो जाएगा, जब भी आप सी वन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। आपको वही बनाए रखनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो उतने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या यूं कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये आपका स्टेप लिखना पड़ता है, या ये लिखना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन कॉमन करने के लिए। खैर, क्या होगा आपका, ये वन 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 हो गया, पहला कॉलम ट्रांसफॉर्म हो गया, बाकी तो ट्रांसफॉर्म करना नहीं था, तो वाई प्लस जेड और प्लस टू एक्स हो गया, और फिर क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई वाई और क्या हो गया, जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई हो गया। अब क्या किया जाए? अब तो आसान है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर तीन वन रो या कॉलम में आ जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, किसी कॉर्नर वाले को पकड़ के दो जगह जीरो बना लेते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा? आर वन सॉरी आर टू ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और आर थ्री ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, आर थ्री माइनस आर वन। फिर आपकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, जो है टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन से, जैसा प्रॉपर्टी आप जानते हैं, लेकिन शक्ल जरूर चेंज हो जाएगी, वैल्यू नहीं चेंज होगी लेकिन शक्ल चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले पहला ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा तो उसको कॉपी कर ले रहे हैं, दूसरा ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स ला के ऐड किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आपने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो माइनस वाई प्लस वाई जीरो हो गया, फिर यहाँ माइनस वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया जीरो हो गया, माइनस एक्स ला के ऐड किया जीरो हो गया, फिर माइनस वाई ला के ऐड किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब क्या किया जाए, अब तो बड़ा आसान है, यहाँ से आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो रहा है ना, जीरो कुछ भी कॉमन दे देता है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो रहा है, मतलब ये रो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड हो रही है और ये तीसरी रो भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड हो रही है, और आपको दो ब्रैकेट और मिलने वाला है जो चाहिए आपका फाइनल आंसर। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रहा है, तो अप्लाई कर दिया जाए ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे इसके लिए, हम कह देंगे कि ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं रो आर टू को, तो आर टू बिकम वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स आर टू, और आर थ्री बिकम वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स
R3 क्या हो जाएगा, क्योंकि दो चीज़ डिवाइड की तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास पहले से था, और दो ब्रैकेट और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई बाहर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट, और अंदर क्या हो जाएगा आपका, इट बिकम 100 और फिर एक्स वाई, ये तो ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं था रो, दूसरा यहाँ 1 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या कर दें, अब कुछ नहीं, एक कॉलम में मैक्सिमम जीरोज है, ठीक है, तो इसके अबाउट हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अबाउट C1, और अगले ही पल या अगले ही स्टेप में आपका आंसर होगा, तो लिखेंगे यहां पे एक्सपेंडिंग अबाउट C1 क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 टाइम्स कॉलम बंद रो बंद, क्या हो जाएगा 1001, फिर इसकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 × 1 है ना, 1 हो जाएगी, तो ये पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है, 1 × करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो दैट इज 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू RHS, और यही प्रूव करना था। लेकिन क्या इकलौता यही तरीका है ना करने का, बिल्कुल नहीं, आपके पास दूसरा भी तरीका मौजूद हो सकता है ना, आप और भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो सकते हो, जैसे आपके पास जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन जो आपका ओरिजिनल है वहाँ पे वाई वाई दो जगह पे है, तो आप घटा के वहाँ पे 0 करिए तब भी आपका काम बनेगा, जेड जेड था वो दोनों रो को आप सेपरेट कर लीजिए तब भी 0 बन जाएगा, वहाँ से कॉमन होगा, तो आप दूसरे भी तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, आप ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा, अदरवाइज हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे देंगे।